ये तहखाने की एक और तस्वीर है ज्ञानवापी के भीतर की, जहां पर आप मूर्तियों के कुछ हिस्से देख रहे हैं, हालांकि खंडित हैं। पैर का एक हिस्सा, पांव दिख रहे हैं यहां पर, कुछ दूसरा टूटा हुआ एक धड़ का हिस्सा अलग नजर आ रहा है। तो तहखाने के भीतर ये जो बारीकी से शूट की गई तस्वीरें हैं, जिन पर अदालत को अभी अपना निर्णय देना है। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो पूरी चर्चा है वो वाकई अदालत का एक ऐसा मामला जो श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ, अब आपको लगता है, और क्या जो अलग अलग पक्ष हैं, क्या इस मामले को एक दूसरे रूप में भी अदालत में हम देखेंगे? नहीं देखो श्वेता, अभी जो बात अभी हमारे मुस्लिम बंधु ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि 1936 में भी जो ब्रिटिश के समय भी ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर शिवलिंग है, और बाकी न्यायालयों में नहीं कहा गया, लेकिन एक बात तो कही गई है कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है। 36 और 37 में भी कहा गया, और 97 में जस्टिस रामास्वामी ने भी यही कहा है। और यहाँ तक अभी जो कैमरा घूमा है सारे के सारे मंदिर के परिसर में, श्वेता, वो भी चीख चीख कर कह रहा है कि ये मंदिर है। और यहाँ पर जो दीवालों पर स्वास्तिक है, कमल है, यहाँ तक कि शिवलिंग है, ये सब कुछ ये चीख चीख कर कह रहा है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि काशी जो है, काशी सप्तपुरियों में गिनी जाती, सर्वाधिक प्राचीन नगर जो है, जो पुरियां हैं भारत की, उसमें काशी का नाम है। और केवल भारत के नहीं, दुनिया भर के लोग काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे, इस स्थान पर आते थे। एडमिन ग्रीव्स ने भी लिखा है कि ये कहीं से भी मस्जिद नहीं है। और यहाँ पर जितने घूमने वाले लोग आए हैं, हमारी बात छोड़ दी, हम तो हिंदू हैं और हमारा तो मंदिर है, हम तो कहेंगे ही, लेकिन वो जिनकी कोई भी हिंदुत्व में नहीं होते, केवल देखने के लिए आए हैं, उन्होंने भी कहा कहीं से भी मस्जिद नहीं, वो केवल मंदिर है जिसे तोड़ा गया है और इसको विध्वंस किया गया है। हम तो एक बात मानते हैं श्वेता, कि सत्य में वो जयते, सत्य की अंततः विजय होती है, और सत्य की विजय होती रही और आगे भी होती रहेगी। जैसे बार बार बात आ रही, लोकतंत्र है, हम तो सम्मान करते हैं न्यायालय का, ये कितना करेंगे ये बड़ा विषय है। अभी 2 दिन का एक विमर्श आप देवबंद में हुआ है, और उस विमर्श का अंततः 18 ये प्रस्ताव लाए हैं, उनमें कैसे कैसे प्रस्ताव पारित हुए हैं श्वेता, वो आप देख लीजिए। यहाँ तक कि सड़क पर उतरने तक की बात वहां पर हुई है, और ज्ञानवापी को लेकर के भी इस प्रकार की बातें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में, अंततः लोकतंत्र में सत्य की विजय होती है, और सत्य की विजय ही होगी। लेकिन इस प्रकार की जो घृणा फैलाने का काम किया गया है, इस प्रकार जो विद्वेष फैलाने का काम किया है, एक बार से भारत में चेतावनी दी गई है, हिंदुओं को चेतावनी दी गई है, ये कैसे कैसे सौहार्द लाएगा, श्वेता, एक चिंता का विषय है। इस पर सारा देश सोच भी रहा होगा और सोचना भी चाहिए जी। वाकई सौहार्द के लिए हर पक्ष की जिम्मेदारी, हर पक्ष का दायित्व उतना ही बड़ा हो जाता है। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं उसे लेकर क्या समझ पा रहे हैं अभी तक? आपको लग रहा है कि ये मामला अदालत में अब दूसरे रूप में भी जाना चाहिए? श्रृंगार गौरी का केस है, लेकिन चूंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर निर्णय संविधान के अनुसार, और ऐसे अगर टकराव की बात है, ऐसे विवाद की बात है, तो वो अदालत से ही उसका निर्णय निकलना है, तो आपको लगता है कि अब इन तस्वीरों को देखने के बाद अदालत को एक दूसरे रूप में भी अप्रोच करने की आवश्यकता है? बिल्कुल श्वेता जी, देखिए भगवान शिव जी का शिवालय में विशेष रूप से पूरे परिवार की पूजा होती है, और मंदिरों में सिर्फ अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का, अगर राम जी का मंदिर है तो वहां पूरा सीता मैया होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, साथ में हनुमान जी होते हैं। उसी प्रकार जब किसी शिवालय में हम जाते हैं तो सबसे पहले एक तरफ नंदी भगवान होते हैं, उनके आमने सामने भगवान शिव होते हैं, दाहिने साइड में माँ पार्वती होती हैं, जिन्हें हम यहाँ श्रृंगार गौरी के रूप में जानते हैं, और साथ में दोनों भाई गणेश जी और कार्तिकेय जी होते हैं, पूरा शिव परिवार होता है। अब इस बाबा विश्वनाथ जी का जो पौराणिक मंदिर है, यही पौराणिक मंदिर है, और यहाँ पर नंदी महाराज हैं, और इनका उदाहरण आप देखिए कि केदारनाथ में भी नंदी महाराज बाहर हैं, और ठीक 50 से 60 फीट की दूरी पर अंदर में बाबा केदारनाथ जी विराज रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार महाकालेश्वर उज्जैन में आप जाइएगा तो देखिएगा कि बाहर में 40 से 45 फीट की दूरी पर जो है वह नंदी महाराज है, और अंदर में महाकाल
भगवान शिव हैं। तो हर मंदिर में यही होता है शिवालय में कि नंदी महाराज बाहर होते हैं और अंदर में भगवान शिव विराजते हैं, साथ में पूरा परिवार विराजता है। इस परिस्थिति में पूरी तरह से यह सिद्ध हो जा रहा है कि यही हमारा ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर जितने भी हमारे देव विग्रह और देवताओं के मंदिर के स्थान है, जिसमें घंटा दिख रहे हैं, घड़ियाल दिख रहे हैं, घड़ियाल जो माँ गंगा का विशेष रूप से सवारी है, त्रिशूल है भगवान शिव जी का, इसमें डमरू है, ब्रह्म कमल है, यह सब सिद्ध करता है कि यह पौराणिक मंदिर हमारा बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है जो 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था। उससे पहले तीन बार औरंगजेब से पहले तीन बार तोड़ा गया और हमारे हिंदू धर्म के राजाओं के द्वारा उसे पुनर्निर्माण कराया गया। और यह जो ज्ञानवापी मंदिर है, मैं इसे मंदिर ही मानता हूँ, मस्जिद नहीं मानता। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे हमें कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहिए। मैं तो भारत के सभी मुस्लिम भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग सुनिए, यह हमारा बहुत पवित्र स्थल है, आप लोग आ करके खुद रिसर्च कर दीजिए, देखिए और ठीक से रिसर्च करवाइए, यही हमारा मंदिर है, यही हमारे बाबा विश्वनाथ जी है, और इसे हमें दीजिए, पूजा करने दीजिए। आप भाईचारा अगर बनाना है तो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातन की पहचान है, तीन पहचान जिसमें अयोध्या, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी जी और विशेष रूप से काशीपुरी, यह तीनों हमारी सनातन संस्कृति का पहचान है, इसे आप परेशान मत करें, आप भाईचारा बनाएं, आप हमारे मंदिर परिसर में जो वजू खाना है उसको समाप्त करके वहां जो मंदिर है उसे हमें पूजन करने का माननीय न्यायालय हमें चलिए, बस आदेश कुछ कुछ करे। कुछ